फ्रेंड्स, यन के रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो राइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाए 1 टीस्पून सरसों डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 10 से 12 करी पत्ती, 1 टीस्पून चने का दाल कच्चा, 1 टीस्पून उड़द का दाल कच्चा, काजू कटा हुआ, 5-6 मिर्च है स्लाइस कटे हुए, 1 लाल मिर्च है। इसे डाल के अच्छे से भून लेंगे। जैसे हमारा कलर चेंज होगा, चॉप किया हुआ नारियल डाल देंगे, नारियल से टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद चॉप किया हुआ 1 मैंगो डालेंगे। डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। देखिए कलर हमारा चेंज हो गया है, अच्छा भूनना है इसे। कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल भूनने में, देखिए कितना अच्छा। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम बासमती राइस ले रहे हैं, आप कोई भी राइस ले सकते हैं 1 कटोरा। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बच्चे लोग को बहुत पसंद है, इसे लंच में ब्रेकफास्ट बना के दे सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता है, ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी होता है। देखिए अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे मिक्स होता रहेगा इसका कलर चेंज होता रहेगा। अब हमारा मैंगो राइस रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल। बच्चों लोग का तो बहुत फेवरेट है, बहुत यम्मी डिश होता है, इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार आप लोग। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। हम इसे धनिया की पत्ती से डेकोरेट कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।